तो आज रेसबेरी पाई ने अपना नया रेसबेरी पाई 5 लॉन्च किया है आज 28 तारीख 28 सितंबर 2023 को। 23 का मॉडल रेसबेरी पाई 5 का। तो आज मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू दूंगा एक बार कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं एंड कितना पावरफुल है ये रेसबेरी पाई 4 से और क्या प्राइसिंग वगैरह है इंडिया में। तो सारा कुछ हिंदी में होने वाला है तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू। तो ये रेसबेरी पाई 5 आज के दिन लॉन्च हुआ है। इसके अंदर नया चिपसेट आ गया है और कुछ नई एक्सेसरीज आई है, जैसे कि एक केस आया है 27 वॉट का टाइप सी वाला, एक पावर सप्लाई आया है एंड एक नया कूलर भी इन्होंने लॉन्च किया अपनी तरफ से, जिसका एक इंटीग्रेटेड आपको साथ में ही एक स्लॉट मिल जाता है फैन के लिए। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, इसमें जो नया एक चिपसेट लगा है 2.4 GHz का, 64 बिट का एक नया चिपसेट लगाया हुआ है कॉर्टेक्स A76 का, जो पिछले वाले रेसबेरी पाई से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 GHz एक्स्ट्रा है। और इसमें आ गई है 2 MB की कैश मेमोरी भी आ गई है नई, और आप इसके उससे 4K HDMI से 4K तक आप 60 FPS तक आप आउटपुट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इसमें एक नया जो बिग अपडेट आया है रेसबेरी पाई 5 के अंदर, वो आपको DDR4X की रैम आपको देने लग गए हैं 4 GB और 8 GB में ही। ये सिर्फ दो वेरिएंट्स में आएगा, 4 GB और 8 GB में। और इसका जो वाईफाई है, पिछली बार के वाईफाई से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इस बार ब्लूटूथ 5.0 दिया है, नया माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया है हाई स्पीड सपोर्ट वाला, दो USB 3.0 के पोर्ट्स है इसमें, दो USB 2.0 के पोर्ट्स है, 1 GB का पोर्ट है, दो 4 लेन के MIPI के कैमरा पोर्ट दिए हैं इसमें, PCI 2.0 का एक पोर्ट दिया हुआ है इसमें, एंड 40 पिन का हेडर है। नेक्स्ट, पावर बटन एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है और एक आपको एक्सटर्नल बैटरी का सपोर्ट मिलता है 3 वोल्ट की। तो ये था इसका बिग अपडेट जो इस बार इन्होंने दिया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 साल बाद अपने रेसबेरी पाई 5 में। दो ही वेरिएंट आएंगे, 4 GB और 8 GB में। और इसके जो सॉफ्टवेयर है वो भी शायद से ये नया लॉन्च करेंगे, जो नया सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च होगा इसका। एंड ये इसकी जो नई चिप है BCM2712, ये नई चिप आई है, पिछली बार से बहुत ज़्यादा अलग है ये एंड काफ़ी पावरफुल भी है, रेसबेरी पाई 4 से बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। नेक्स्ट जो अपडेट है इसमें, और ज़्यादा कोई अपडेट है नहीं इसमें। बाकी इसकी जो प्राइजिंग है, प्राइजिंग ऑफिशियली जो आई है वो $60 फॉर 4 GB रैम वाले की है, और $80 आपके 8 GB रैम वाले की है। अराउंड अराउंड इंडिया में आपको 5,000 का 4 GB वाला पड़ेगा और 6,000 का 8 GB वाला। आई गेस यहाँ पे इंडिया में तो आपको थोड़ा सा बढ़ के ही मिलेगा, 6,500 का आई गेस मिलेगा 8 GB वाला। सो यही था इसका बिग अपडेट। कैमरा केबल भी आई है इस बार नहीं, कुछ हैट आए हैं, दो हैट आए हैं इस बार, एक GPS का हैट है एंड एक और ये हैट है स्टोरेज के लिए M.2 की। एंड ये बैटरी आई है RTC बैटरी, दैट्स इट। रेसबेरी पाई 5 कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये नया रेसबेरी पाई 5, यहाँ पे आपको मिल जाती है एक वाईफाई, ये आपको रैम, ये आपका प्रोसेसर एंड ये कोई नई चिप डाली है इन्होंने अपनी ही रेसबेरी पाई की, आई डोंट नो कौन सी है, बाद में अपडेट डाल दूंगा। दो कैमरा के लिए आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक PCIe का स्लॉट का यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाता है, एक फैन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्लॉट मिल जाता है, एक बैटरी के लिए स्लॉट मिल जाता है, दो HDMI आ गए हैं, एक वही पुराने वाला टाइप सी का पोर्ट है एंड टू USB 3.0 के पोर्ट्स हैं, टू USB 2.0 के पोर्ट्स हैं, एक ईथरनेट 10 GB वाला एक पोर्ट है एंड 4K का आउटपुट है, 4K at 60 FPS एंड जो प्राइजिंग है $80 फॉर 8 GB
एंड $60 फॉर 4 GB। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरा ये वीडियो देखा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।